चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का जलवा छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जोर शोर से चल रहा है। सलमान खान कटरीना कैफ स्टारर टाइगर जिंदा है ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना चालू कर दिया था। अगर हम फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 34 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं शनिवार को कलेक्शन थोड़ा बढ़कर 35 करोड़ के पार कर गया, तो वहीं संडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ 45 करोड़ से ऊपर का, तो वहीं क्रिसमस के दिन भी 36 करोड़ का कलेक्शन पार कर गया और मंगलवार की बात करें तो फिल्म ने करीब 34 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर हम बुधवार की कलेक्शन की बात करें यानी छठे दिन की, तो फिल्म ने करीब 30 करोड़ का कलेक्शन कर चुका है। इस हिसाब से टाइगर जिंदा है ने टोटल 175 करोड़ का कारोबार इंडिया में कर चुका है। और अगर हम फिल्म की बात बाहरी देश में करें तो फिल्म ने करीब बाहर से 50 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है, यानी फिल्म ने टोटल अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म में कटरीना कैफ और सलमान खान पर फिल्माया हुआ गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत दर्शकों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। फिल्म में कटरीना कैफ और सलमान खान का एक्शन अवतार दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है।